कन्विंस करने का हौसला या जज्बा अगर किसी को चाहिए तो उसको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। जो पब्लिक स्पीकिंग का खौफ है, ये जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, इसको दूर किया जा सकता है। इफ यू आर गुड पब्लिक स्पीकर, यू कैन नॉट बी जॉबलेस। द गुड थिंग इज पब्लिक स्पीकिंग कैन बी लर्न। बहुत सारे लोगों को खौफ होता है पब्लिक स्पीकिंग का, वो लोगों को फेस नहीं कर सकता है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आपको पता है, इंटरेस्टिंगली सबसे बड़ा फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, सबसे बड़ा फियर। और दूसरे नंबर पे फियर ऑफ डेथ है, मौत का खौफ दूसरे नंबर पे है, पब्लिक स्पीकिंग का खौफ पहले नंबर पे है। रिसर्च बता रही है, मैं नहीं कह रहा। अब ये खौफ जो सादा सा हमारे जहन के अंदर होता है कि वी आर टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग तन्हाई में किसी एक शख्स के साथ तो बात कर लेते हैं, कॉन्वर्सेशन का तरीका उनको पता होता है, लेकिन जब वो ग्रुप के सामने आते हैं तो नहीं बोल पाते हैं। हम जहन के अंदर जो इंप्रेशन बनाते हैं वो एक शख्स का बनाते हैं, क्योंकि हम टेम वैसे हुए हैं, हमारी ट्रेनिंग वैसे हुई है कि एक शख्स के साथ कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है। और जब भी कोई टीचर यहाँ आके कोई लेक्चर देता है तो आपने देखा होगा कि उसे समटाइम शिराज बहुत अच्छा लग रहा होता है, समटाइम वो आमना से मुखातिब होते हैं, आमना को कह के, कहना तीनों ते सुनाना नौनू वाली बात है, उसको कह के, तो बहुत सारे लोगों को मैसेज जा रहा होता है। यानी एक वक्त में आप एक ही शख्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही शख्स से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल डजंट एग्जिस्ट, याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ पीपल डजंट एग्जिस्ट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग। या जब आपने ऑडियंस से बात करनी तो ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होता, एक बंदा होता है। ऑलराइट, अच्छी बात यह है कि जो पब्लिक स्पीकिंग का खौफ है, ये जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन दूर करके फायदा क्या होगा? यू कैन बी लीडर, कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, मानिए पाकिस्तान की तरह। हाउ मेनी ऑफ यू नो नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, आई हैव अ ड्रीम, इनको भी जानते होंगे, कौन है ये? मौजे तो होंगे ना। इफ यू आर गुड पब्लिक स्पीकर, यू कैन नॉट बी जॉबलेस। अगर आप में वो अनऑर्थोडॉक्स क्वालिटी है, आप लोगों को फेस कर सकते हैं, इफ यू आर गुड पब्लिक स्पीकर, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कह सकते हैं, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, तो मेरी मानता ये है कि बेरोजगार नहीं होते आप, यू कैन बी कन्विंसिंग। बहुत सारी चीज़ें यहाँ जो बैठे हुए ना लोग, वो बेचारे सोचते रहते हैं, पहले सेमेस्टर में आते हैं कुछ अच्छा लगता है, दूसरे में आते हैं मामला और आगे बढ़ता है, तीसरे में है, चौथे, फिर पास आउट हो जाते हैं, फिर जब मिलते हैं, एलुमनाई रियूनियन आ रही है, तो फिर कहते हैं बेटा, वही कहती होती है बेटे मामू को सलाम करो। तो समटाइम्स तो बहुत सारी चीज़ें हम दिल में लेके चले जाते हैं, यहाँ रह जाती हैं, कहने का हौसला ही नहीं होता, फियर होता है, खौफ होता है। तो कन्विंस करने का हौसला या जज्बा अगर किसी को चाहिए तो उसको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए, उसको उस फोबिया से निकलना पड़ेगा, उसको उस हॉल से बाहर आना पड़ेगा। कैन इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों को मुतासर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, इफ़ यू आर अ गुड पब्लिक स्पीकर। बेटर कम्युनिकेट विद योर एम्प्लॉयज, आप अपने इंप्लॉयज के साथ अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, जहां भी हैं आप, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सीईओ हैं, आप अपने इंप्लॉयज को इंगेज कर सकते हैं इन अ बेटर वे। द गुड थिंग इज पब्लिक स्पीकिंग कैन बी लर्न्ड। एक बहुत बड़ा जो हमारा इंस्टीट्यूशन था, वो हमारा वो सामाजिक इकट्ठ था, वो बॉनफायर था, वो आग के गिर्द लोगों का बैठना, वो रात में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना, कॉन्वर्सेशन करना, वो हमारी बहुत बड़ी दर्शगाह थी, क्योंकि स्टोरीज से हम सुनते हैं, कहानियों से सुनते हैं। लेकिन आजकल हमारे यहाँ क्या है कि वो रुझान बहुत कम हो गया है, हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, या हम उस तरह के इकट्ठ नहीं सजाते हैं, हम उस तरह की सोशल गैदरिंग्स नहीं करते हैं जहाँ पे कहने और सुनने वाला मिजाज हो। तो मेरी बात याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग सोशली। इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट इन एन इफेक्टिव वे, या कम्युनिकेट इन एन इफेक्टिव वे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों की नब्स पे हाथ रख के, इमोशनली उनके इमोशंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। ओवरकम फियर, नंबर वन चीज जो है, हमने उस खौफ को अपने ऊपर से उतारना है, या फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कह रहे हैं। जब आप खौफ में होते हैं तो क्या होता है, मैसेंजर आपको अटेंशन का मैसेज देता है कि अटेंटिव हो जाओ। जिस वक्त आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त भी मैसेंजर आपको मैसेज दे रहा होता है, ये दिमाग आपका आपको मैसेज कॉशन दे रहा होता है। उस वक्त भी आप बड़े चुकन्ने होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस ज़्यादा तेज होते हैं। यानी दोनों सूरतों में जो कॉमन बात है वो क्या है, अटेंशन है। और वो अटेंशन कहाँ से आ रही है, फियर की सूरत में भी आप ज़्यादा अटेंटिव हैं, और बीइंग कॉन्फिडेंट भी आप ज़्यादा अटेंटिव हैं। और वो अटेंटिव आपको कौन कर रहा है, आपका दिमाग कर रहा है, किसी चीज़ का दिमाग के साथ एंकर हो जाना। बहुत सारे फोबियाज का जिक्र किया था अभी हमने, हाइड्रोफोबिया, हाइट फोबिया, बिल्ली का डर, अंधेरा से डर आपको लगता है, बहुत सारे फोबियाज होते हैं। जब इंसान पैदा होता है तो क्या इन फोबियाज के साथ पैदा होता है? जब इंसान इस दुनिया में आता है तो बेखौफ आता है ना, बिला झिझक आता है ना, बेधड़क आता है, कोई खौफ नहीं होता। तो वो खौफ कहाँ से आने लगता है?
कोई आपको कहता है वो बेटे बिल्ली बिल्ली के पास नहीं जाना, बिल्ली अब वो बिल्ली का खौफ आपके जहन में पैदा हो जाता है, अंधेरे में नहीं जाना, वो अंधेरे का खौफ आपके जहन में आ जाता है, नहीं हाइट पे नहीं जाना ज़्यादा, छत पे नहीं जाना गिर जाओगे, वो हाइट फोबिया आपके दिमाग के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरली आप बड़े बेखौफ पैदा हुए हैं। ये जो खौफ आपके अंदर आ गया है ये सोशल प्रेशर ने डाला है, समाज ने डाला है, ये आपके दिमाग के साथ एंकर हुआ हुआ है, जो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहती है कि आपके दिमाग के साथ बहुत सारी चीज़ें एंकर हुई हुई हैं, एंकर हुई हुई हैं। आप ज़रा सोचिएगा कि आपके दिमाग के साथ कौन कौन सी चीज़ें एंकर हुई हैं और कौन से एंकर्स आप एज अ बैगेज अपने साथ कैरी कर रहे हैं। हो सकता है आपको पता ही ना हो कि इतना बैगेज कैरी कर रहे हैं आप अपने साथ, इतने खौफ कैरी कर रहे हैं। भाई उन एंकर्स को डिटैच भी किया जा सकता है। तो जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, नंबर वन मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ पीपल डजंट एग्जिस्ट, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होता, एक बंदा होता है। जब आप बहुत सारी गैदरिंग में किसी से मुखातिब हैं तो आप एक बंदे से मुखातिब हैं, या इधर एक बंदा है या इधर एक बंदा है या उधर मिडल में कहीं एक बंदा है, आप एक बंदे से बात करते हैं क्योंकि आपकी ट्रेनिंग कॉन्वर्सेशन की एक बंदे से हुई हुई है। अगर आप उससे कनेक्ट करेंगे तो लोगों को भी इफेक्टिवली आपकी बात समझ में आ जाएगी। तो ये जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है वो आसानी से दूर किया जा सकता है बाय ट्यूनिंग योर माइंड, अपने आप से बात करके, टॉक टू योरसेल्फ, इसको समझाएं, ये समझ आता है, बड़ी आसानी से समझ आता है।